हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज आप लोगों के लिए एक जो वीडियो लेकर आया हूँ, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। आप इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि ये आपके कैरियर के मुताबिक वीडियो है। यानी कि आप जो भी बच्चे जामिया मिल्लिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में 2024 में बैठेंगे, यानी कि एग्जाम देंगे, तो एग्जाम देने से पहले आपको जानकारी है कि फॉर्म फिलअप किया जाता है। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, मैं एक टीचर होने के नाते आपको ये जानकारी इसलिए देना जरूरी समझा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे जो एंट्रेंस को क्वालिफाई कर जाते हैं, लेकिन उनके फॉर्म में कहीं ना कहीं किसी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से गलती हो जाती है, या जो साइबर कैफे वाले होते हैं वो कुछ ना कुछ मिस्टेक कर जाते हैं अनजाने में, क्योंकि उनको जानकारी नहीं होती। गांव वगैरह में लोग फॉर्म फिलअप करवा लेते हैं, या कुछ बच्चे अपने से भी खुद फिलअप कर लेते हैं, जिनकी वजह से उनके फॉर्म में मिस्टेक आ जाती है और उनके एडमिशन के वक्त में काफी प्रॉब्लम्स होती है। बहुत सारे बच्चे को रिजेक्ट कर दिया जाता है, यानी कि एंट्रेंस क्वालिफाई होने के बावजूद उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो मैं आपको आज जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात ये बताने जा रहा हूँ कि आपको अगर जैसे जामिया मिल्लिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के फॉर्म्स आने ही वाले हैं, यानी कि अगर आप बात करें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का, तो एक और जानकारी आपको दे दूं कि आने वाले वीकेंड में, यानी कि जो आने वाला हफ्ता होगा, उसमें आपका अलीगढ़ का फॉर्म क्लास सिक्स, क्लास फर्स्ट, क्लास नाइन्थ और इलेवेंथ का, यानी कि फॉर्म रिलीज कर दिया जाएगा। यानी कि आपको 20 जनवरी के आसपास में अलीगढ़ का फॉर्म आ जाएगा। जैसे फॉर्म आता है तो बच्चे के दिमाग में ये हिट करता है कि हमें फॉर्म फिल करना है, और बच्चे एप्लीकेशन पे खुद जाकर फॉर्म को फिलअप करने लगते हैं, या नहीं तो साइबर कैफे चले जाते हैं। आज जो मैं आपको बताऊंगा, आप एक ऐसे साथी से फॉर्म फिलअप करवाएं जो बिल्कुल आपकी पूरी मदद करेंगे फॉर्म फिलअप करने में, और एकदम 100% आपका सही फॉर्म फिलअप किया जाएगा, जिनका एक एप्लीकेशन चलता है यूट्यूब पर जहीन कंप्यूटर के नाम से। आप जहीन कंप्यूटर जो जामिया मिल्लिया इस्लामिया जो यूनिवर्सिटी है उसी गली के अंदर में, और जामिया मिल्लिया इस्लामिया के एलुमिनाई हैं जहीन भाई, उन्होंने बच्चे की मदद के लिए ये एप्लीकेशन को स्टार्ट किया है। उन्होंने इस साल आज ही बुलाकर मुझसे मीटिंग किया कि अगर कोई ऐसा बच्चा जो बिहार से, यूपी से या किसी अदर स्टेट से कहीं से भी हो, अगर वो अपने फॉर्म को सही फिलअप करवाना चाहता है, यानी कि सही फॉर्म उनका फिलअप किया जाए, तो जहीन कंप्यूटर में वो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, जो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स होता है, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जो होता है, उस डॉक्यूमेंट्स को वो पीडीएफ बनाकर उनको सेंड कर दें ईमेल पे या व्हाट्सएप नंबर पे, और उनको फॉर्म फिल करके उनका पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा। वो भी आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाएगा। यानी कि टीबीआईटी क्लासेस के ही मेंबर हुए जहीन भाई, और जहीन कंप्यूटर जो हमारे फ्रेंड सर्कल के अंदर में भी आते हैं, आप तमाम लोगों को ये मालूम है कि टीबीआईटी क्लासेस जो बच्चे लोगों की मदद के लिए करने के लिए हमेशा कदम से कदम मिलाकर खड़ा होता है। यानी कि मैं आपको इसलिए वीडियो को ये वाला वीडियो डाल रहा हूँ पहले, कि आपके दिमाग में ये चीज याद रहे कि जैसे अलीगढ़ का या जामिया का फॉर्म आता है, आप कहीं भी फॉर्म को फिल नहीं करवाएंगे, आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, या नहीं तो आप जहीन कंप्यूटर सेंटर जो जामिया नगर के अंदर में, मैं उनका एड्रेस आपको सेंड कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, और उनका कॉन्टेक्ट नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप उनसे कॉन्टेक्ट करके आप मेरे रेफरेंस लेंगे अगर कि मैं टीबीआईटी क्लासेस से आपका नंबर लिया हूं, तो आपका फॉर्म जो जामिया मिल्लिया इस्लामिया का जो फॉर्म फिल किया जाएगा वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में फॉर्म फिल किया जाएगा। साथ ही साथ वो बच्चे जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं, उनको गाइड, जो एंट्रेंस की गाइड होगी वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में दी जाएगी। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को काफी ज्यादा मदद करेगा, और ये वीडियो आप लोगों को देखकर काफी ज्यादा खुशी मिली होगी कि अब आप लोग 100% जामिया मिल्लिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जाने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। तो अब बात किसी देरी का नहीं है, आप इस नंबर को और इस वीडियो को बिल्कुल सेव करके रख लेंगे अपने प्ले लिस्ट के अंदर में, और अभी तक अगर आप नए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना टीआईटी क्लासेस को बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ आप अपने चैनल को, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि इसी तरीके से हम और आप मिलकर ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद कर सकें। जय हिंद, जय भारत, जय जामिया।